वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नया साल है, हमारा नए साल का पहला शो है, मतलब हम नया नया शो कर रहे हैं। अच्छा जनाब, आज हम 2018 को भी डिस्कस कर चुके हैं, 2019 के हवाले से मैंने आपसे दिन में, मतलब जब मैं शो शुरू करी थी, मैंने मोटिवेशन के हवाले से आपसे ढेर सारी बातें की कि क्या मोटिवेशन होनी चाहिए, आपको किस तरह से अपना आने वाला साल है इसको बेहतर तौर पर गुजारना है, जो गलतियाँ कोताहियाँ आपसे होगी उनको भूल के आगे जाके कैसे करना है, उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होगी। और आज हम आपको मोटिवेशन डेफिनेटली देने वाले हैं, हमारे पास मोटिवेशनल स्पीकर मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे। जाहिर महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें हम वेलकम करेंगे। और जनाब, जो हमारा सियासी एक मंजरनामा है उस पर भी हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, नए साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज भी होंगी, तब्दीली का जो नारा है उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आएगी और क्या आइंदा आने वाले साल में स्ट्रैटेजीज अपनाई जाएंगी। और उसके साथ साथ जो खातून हमें ज्वाइन करने वाली है उनसे भी हम जानेंगे कि 2018 उनका कैसा गुजरा, 19 के लिए उनके क्या प्लान्स हैं। हमें मसरत चीमा ने ज्वाइन किया है, जिनका ताल्लुक पीछे से है। वेलकम टू शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो सर मैं आपकी जानिब आऊंगी, हम 2018 की बात करें, कैसा गुजरा आपका 2018 और 2019 के लिए आपने क्या सोचा? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आज मेरा 2019 का पहला इट्स लाइव शो, मॉर्निंग शो। सो 2018 हमारा इट वाज फुल ऑफ थ्रिल, स्ट्रगल, एंड इफ आई एम सेइंग के इट वाज फुल ऑफ ड्रामा एंड यू नो, तो और एवरी लेवल और स्टेट लेवल और हर तरह से वो ड्रामा हिट सीन चल रहे थे, यू नो, पनामा एंड हंगामा। और फिर हमारी जो स्ट्रगल थी उसकी हाइट थी, यू नो, इट वाज क्योंकि फाइनल उस राउंड की तरफ हम लोग जा रहे थे, इलेक्शन ईयर था, सो इट वाज फुल ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रगल। और अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने करम किया, मैं अगर ये कहूँ बीइंग अ पीटीआई की मेंबर होने की हैसियत से, कि हमारी 22 साल स्ट्रगल अल्टीमेट रिजल्ट पे पहुंची और इट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान आल्सो। वजह ये नहीं कि हमारी गवर्नमेंट आ गई, वजह ये कि इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू हुआ, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल, कि आप जितने मर्जी बड़े मनसब पे बैठे हो, आप 3 टाइम 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हो, आप जिस मर्जी बड़ी पोजिशन पे हो, कानून की इजारादारी कायम हुई और ये मुल्क एक नए एंगल से नई हिस्ट्री हमारी बनी। इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, प्रोसेस शुरू सिर्फ होता था इंतकाम के लिए और फिर एक अच्छा सा एनआरओ साइन होता था और उसके बाद पिछली सारी करप्शन हलाल हो जाती थी। और मज़े की बात ये है कि अगर एक पार्टी गवर्नमेंट कर रही है, दूसरी पार्टी छुट्टियां मनाने उस टेन्योर में यूके एंड यू नो दुबई बैठी हुई है, और वो जो करप्शन से जो पैसा कमाया हुआ था उससे फुल एंजॉयमेंट जो, तो मतलब ये है कि आप हिस्ट्री देख लो पूरी दुनिया में, जिन जिन लोगों ने तरक्की की तरफ जो पहला स्टेप था उसमें अकाउंटेबिलिटी से ही चीज शुरू हुई, कि अगर मुझे पॉलिटिक्स में आना है या जिस भी पब्लिक ऑफिस को मैंने आके उसमें बैठना है, तो सबसे पहले ये बात कि मैं मेरे और उन रिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से हमने कानून की रिट कायम करनी है ना, और टैक्स के पैसे को बड़ी ईमानदारी के साथ जो हमारे टैक्स पेयर हैं उन स्टेट पे लगाना है, ना कि वो लूट के। मतलब ये देखें कि अगर आप एक चैनल पे बैठी हैं तो आपकी एक सर्टेन सैलरी है या आपके पेरेंट्स की तरफ से जो आप इनहेरिट करती हो, वो अगर आपके लाइफस्टाइल और आपके एसेट से मैच ही नहीं करता, फिर तो ये सोच, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम उसमें ढूंढते फिरें कि जी इसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सो ये इंशाल्लाह ताला यू विल सी कि ये जो 2019 है ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां इसलिए लाएगा कि कोई इस मुल्क में अब कानून से बालातर नहीं है। और इफ समवन लाइक इस मुल्क में छोटे चोर को बुरा समझा जाता था उसको और उसके लिए पनिशमेंट्स भी थी, उसे जेल भी जाना पड़ता था, और जितने बड़े लेवल का चोर है उसके साथ फोटो बनवाना स्टेटस सिंबल उसके साथ और उसकी हैविंग्स एंड पोजेशंस को दे के रश करना, ये सोसाइटी का कल्चर बन चुका था। चेंज होगा अल्लाह करे ऐसा, अब बड़े चोर को इंशाल्लाह ज्यादा काबिल नफरत होना भी चाहिए इस्लाम की रूह से भी और ओवरऑल भी, सही सही, मुआशरे का बड़ा मुजरिम है ना वो, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको अब उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जो जितना मर्जी बड़ा चोर होगा वो उसको उसकी लेवल पे उसको। 2019 के जो रेजोल्यूशन है वो पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से यही है। अच्छा जी जाहिद साहब, आपकी जानिब आएंगे, चूंकि हम मोटिवेशन की बात करते हैं, 2018 जैसा गुजरा वो सारे मामला चले,
लेकिन आने वाले साल के लिए नई उम्मीदें, नई प्लानिंग होती हैं, क्या मोटिवेशन आज आप आगाज करेंगे अपने इस टॉपिक का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपको और तमाम नाज़रीन को नया साल इस उम्मीद और इस अज़्म के साथ उसकी मुबारकबाद मैं देता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो आपको लातादाद सलाहियतें आपको दी हैं और वो सलाहियतें जो अभी तक आप उनको इस्तेमाल नहीं कर सके, इंशाल्लाह 2019 में आप, मैं, हम उन सलाहियतों को इस्तेमाल करने का अज़्म रखते हैं और उनको पहले डिस्कवर करना है, ठीक है। तो जो नया साल मैं वर्कशॉप्स और प्रोग्राम्स करवा रहा हूँ न्यू और न्यू लाइफ के नाम से स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को, तो उसमें सबसे हम पहले यही सबक देते हैं कि आपने अपनी शख्सियत को, अपनी ज़ात को, अपने आप को पहचानना, ठीक है। जब तक हम अपनी आप को, अपनी ज़ात को नहीं पहचानते, तब तक हम जो है वो जो हमने करना क्या है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको सही तरीके से लेकर नहीं चल सकते। तो सबसे पहले डिस्कवर योरसेल्फ, उसके बाद फिर आप गोल सेट करते हैं, उसके बाद फिर आप जो है ना रेजोल्यूशंस बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम रेजोल्यूशंस गोल्स बना लेते हैं, अपनी शख्सियत को नहीं पहचानते, हम किसी दूसरे के ख्वाबों को देखते हैं और उनके ख्वाबों को पूरा करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपकी जानिब आएंगे मसर साहिबा, चूँकि हम नए साल की बात करें, अब पिछले जो हमने अभी टेन्योर चूँकि शुरू हुआ है पीटीआई गवर्नमेंट का, बहुत सारी कंप्लेंट, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, कुछ महंगाई है, कुछ और भी तरह के मसाइल हैं जो पब्लिक कंप्लेंट कर रही है। बजाय 2019 में आपकी गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह की क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, क्योंकि अब बहुत उम्मीद के साथ, बहुत कोशिशों के साथ पब्लिक वोट देकर इस तरह से आप आए हैं गवर्नमेंट पे, लेकिन एट द एंड जब तक वो इनकी एक्सपेक्टेशन पे कोई पूरा नहीं उतरेगा तो अगला जो एक मरहला है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो जिस वक्त हमने हमारी गवर्नमेंट बनी है, आप ये देखें कि मुल्क की इकॉनमी का बहुत बुरा हाल था। अगर मैं ये कहूँ कि बदतरीन टाइम था तो ये गलत नहीं होएगा कि ख़जाना खाली, क्या हम लोग माइनस में जा रहे थे क्योंकि IMF की किस्तें देनी थी और बहुत ज़्यादा इकॉनमी पे प्रेशर था। फिर चूँकि ये लोग अनफॉर्चुनेटली, इनको इस मुल्क के साथ लेना देना कुछ भी नहीं है, बिकॉज ये जब ये सिर्फ आते हैं रूल करने के लिए, क्योंकि देखें किसी भी मुल्क के साथ आपकी अटैचमेंट तब होती जब आपके स्टेक्स वो होते हैं आपके बच्चे और आपका बिजनेस, रोजी रोटी, यू सी, दोनों इनके बाहर थे। तो इन लोगों ने इस मुल्क का, जैसे डॉलर क्राइसिस में आया तो दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट के जितना और बिगाड़ इसमें कर सकते हैं, दे डिड इट। सो वो बहुत टफ टाइम था, एंड ये मैं कहूँ कि वो दैट टाइम इज़ ओवर अल्हम्दुलिल्लाह। और अब अगला जो हम लोगों ने पहले आते साथ ही जब बजट पेश किया तो वो PTI की जो आइडियोलॉजी है या जो हमारा मैनिफेस्टो है या जो हमारे प्रॉमिसेस हैं उनके अकॉर्डिंगली तो नहीं था, टोटली नहीं था, नहीं था वो। तो एक कहते हैं ना कि मतलब टाइम, उस वक्त हम इसके अलावा बजट पेश करने के अलावा हमारे पास और इस तरह का बजट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। सो उसमें जो एक प्लस पॉइंट जो मैं बताऊँ कि पहली जो गवर्नमेंट थी ना, फ़र्ज करें कि उन्होंने हेल्थ का जो बजट अनाउंस किया, एजुकेशन का किया, साफ पानी या जो भी बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका अनाउंसमेंट्स होती थी, लेकिन मिड ऑफ द ईयर में बिल्कुल गैर महसूस अंदाज में वो चुपके से क्या करते थे कि जैसे CM हाउस का बजट उसको डबल कर दिया, कट कहाँ से मारा, एजुकेशन से। उसके बाद जो ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता हो और जिससे थोड़ी शोशा भी, जिसको प्ले अच्छा किया जा सकता हो, तो जैसे ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस, ये वो, और इन मंसूबों के लिए पूरे पंजाब का हेल्थ का बजट, आपकी एजुकेशन का बजट और भी जितने भी जहां जहां से कटौती हो सकती थी करके तो एक आध मनसूबे में झोंक दिया जाता था, बजाय इसके कि वो छोटी छोटी स्क्रैप किस्म की करप्शन करें, एक मनसूबे से ये हैंडसम अमाउंट वो ले लें। अब हम करने ये जा रहे हैं कि हम नए साल का मंशूर पे ही आई थी बेसिकली, क्या बेसिकली वो ये है कि हम इंशाल्लाह ताला अगला जो हमारा बजट है वो होली सोली इंशाल्लाह जो हमारी एक आइडियोलॉजी है दैट इज कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, कि आप लोगों पे इन्वेस्ट करें, लोगों पे मतलब कि साफ पानी, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं है कि स्टेट ना दे, क्योंकि ये स्टेट का काम है जिम्मेदारी है। इसमें आप ये देखेंगे कि हेल्थ रिफॉर्म्स इंशाल्लाह, एजुकेशन रिफॉर्म्स पे हम तेजी से काम कर रहे हैं, थोड़ा सिलेबस को यूनिफॉर्म करना, करिकुलम में बहुत इश्यूज हैं वो उसको कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे पॉपुलेशन मैनेजमेंट नॉट कंट्रोल मैनेजमेंट, के भाई लोगों को अवेयरनेस दी जाए ताकि वो फिर आगे, फिर उसके अलावा
جو بیسک انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہم ایڈ کریں گے اس میں, بیکاز ہمارا سب سے بڑا چیلنج آگے انوائرمنٹل چینجز جو گلوبل وارمنگ اور پاکستان کا جو لاہور ہے یہ دنیا کا سب سے پولوٹیڈ شہر مطلب اناؤنس ہو چکا ہے, وچ از ویری ویری الارمنگ تھنگ. تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پیرلل ورکنگ کریں گے, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم یہ کہ لوگوں کو امیڈیٹ ریلیف ملے, اس میں یہ ہے کہ لوگوں کا جابس ملے, روزگار ملے, اور مطلب تھوڑی سی چیزیں اب جس ریٹ پہ چلیں گی انٹرنیشنلی, بیکاز ہمیں ڈالر سے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ کم تو نہیں آئیں گے, لیکن اب لوگوں کی ارننگ بڑھائیں. سو وہ مہنگائی کا کنٹرول کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ چینی 10 روپے کی تو پاسبل نہیں ہے نا, بٹ آپ لوگوں کو روزگار دیں. اور پرائیویٹ سیکٹر, یہ صرف ایک یہ بھی مس کانسیپٹ ہے کہ شاید ساری نوکریاں گورنمنٹ نے دینی ہوتی ہیں, نو, اٹس اے, یہ آپ بزنس انوائرمنٹ دے لوگوں کو, پرائیویٹ سیکٹر مل کے اور گورنمنٹ مل کے کام. تو ہم انشاءاللہ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بنائیں گے, فارن انویسٹمنٹس آئیں گی, اور ملک کے اندر جیسے جو انڈسٹری ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی, ون آف دا بیسٹ انڈسٹری آف دا ورلڈ, بہت زوال کا شکار ہوئی, اس پہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ انڈسٹریلسٹ کو ریلیف دیں گے. کسانوں کے لیے بہت چھوٹے کسان فرینڈلی پروگرامز آ رہے ہیں. مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلے اگر کھاد پہ فرض کریں, میں ایک چھوٹی رف ایگزامپل دوں, اس پہ کیا کرتے تھے, پرائز کٹ کر دی تو وہ بڑا ذمہ داری اس کا بینیفیشری ہوتا تھا, تو ٹارگیٹڈ بینیفٹس دیے جائیں گے. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اس پہ مزید بھی بات کریں گے, آپ کی جانب آؤں گی زاہد صاحب. چونکہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں نئے سال کے لیے, ابھی میں نے صبح بھی ایک ڈسکشن ایک ٹاپک پہ میں بات کری تھی کہ ہمارے یہاں گول سیٹ نہیں ہے, ہم لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں, کس راستے پہ, ہمیں بس ایک لگی بندی چیز ہے, ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں. اب نئے سال کے لیے چونکہ آپ کو کچھ ایسے ٹارگیٹ سیٹ کرنے پڑتے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی غلطی ہیں ان کو نہ دہرانے کے لیے, کوئی اسٹریٹجی, کوئی ٹپ آپ دینا چاہیں ہمارے دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں جی, ڈسکور یور سیلف ہم نے اس کو کر لیا پہلا اسٹیپ, اور یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہے گول سیٹنگ کا, اب جب آپ نے گول سیٹنگ کرنا ہے اس میں کچھ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ کا جو گول ہے وہ اتنا پاورفل ہو کہ وہ آپ کو ڈریگ کرے اس کام کو کرنے کے لیے. لیکن وہ گول سیٹ نہیں ہوتا. جی, کیا وجہ؟ یہی وجہ کہ اس کے آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ انف ریزنز نہیں ہیں. مطلب آپ کوئی بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے, اس کی امپورٹنس نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل خاص طور پر اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں کہ بیٹا آپ لوگوں کے لیے اسکول جانا آسان ہے یا مشکل؟ ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں جی آسان ہے. اگر بہت زیادہ سردی ہو, دھند ہو تو سر تھوڑا مشکل ہے, اگر ہڑتال ہو, راستے بند ہوں, روڈ بلاکس ہوں تو سر بہت مشکل ہے. تو میں کہتا ہوں اگر بورڈ کا پیپر ہو تو آپ چلے جائیں گے؟ جی سر چلے جائیں گے, مشکل سر ہم ساری مشکلات کا سامنا کر لیں گے. تو وہ جو مشکلات ہمارے راستے میں آتی ہیں وہ صرف اور صرف ہمارا جو گول ہے وہ پاورفل نہیں ہوتا, اس کی کوئی اسٹرانگ ریزنز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مطلب سچویشن ایک ہی ہے, اسکول جانا ہے, لیکن صرف اور صرف ریزن چینج ہوئی, اس ریزن نے ہمیں جو ہے وہ ہر رکاوٹ کو توڑ کر, ہر رکاوٹ کو عبور کرنے پر جو ہے وہ ہمیں طاقت دی اور ہم وہ کرتے ہیں. تو ہمارے گولز میں یہی ہوتا ہے کہ گولز اس وجہ سے نہیں سیٹ کر پاتے کہ ہمارے پاس کوئی مقصد نہیں ہوتا. آج کل اب کی ہم بات, بہت سارے بچے ہیں جو اپنے لائف کو لے کے بہت فوکس بھی ہیں, اپنے گولز بھی ان کے بہت اسٹرانگ ہیں, انہوں نے سوچا ہوا ہے انہیں کیا اچیو کرنا ہے, لیکن کچھ بچے یا کچھ جنریشن میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ان چیزوں کو لے کر بہت کنفیوز نظر آتے ہیں. وجوہات کچھ ہمارے ارد گرد بھی ہو سکتی ہیں یا شاید ہماری زندگیوں میں موٹیویشن کی کمی ہے. موٹیویشن آج کل تو خیر موٹیویشن کی کمی نہیں ہے, آج کل بہت زیادہ اس پر جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ انتظار کرتے ہیں ایکسٹرنل موٹیویشن کا. اصل جو چیز ہے وہ انٹرنل موٹیویشن ہے, اور انٹرنل موٹیویشن جو ہے وہ جب تک آپ کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہے, جب تک آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو جو ہے وہ بستر سے نکالے, جو آپ کو جو ہے کمفرٹ زون سے نکالے, اور وہ جو ہے وہ آپ اپنی زندگی کے مقصد کو, اگر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس کمرے میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ فالتو نہیں ہے, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں کلاس روم میں کہ وائٹ بورڈ ہے, اس کا مقصد ہے. تو آپ جو اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو سب سے قیمتی ہیں, جو اشرف المخلوقات ہیں, آپ کا مقصد ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ. تو جب تک وہ نہیں پتہ, جب تک پراپر چیزیں ڈیفائن نہیں کر پاتے, تب تک ہم جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ زاہد صاحب, بہت شکریہ. مسئلہ میرا, آپ کا بھی بہت شکریہ, اور ہم یہی امید کریں گے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے 2019 میں
ہمارے لیے بہترین چیزیں, بہترین اسٹریٹجیز, بہترین جو ہمارے مسائل ہیں ان کا حل نکالے اور بہترین کارکردگی دکھائے. ابھی ہم بریک لیں گے جناب, 2019 کے حوالے سے بہت ہم نے موٹیویشنل باتیں کر لیں, لیکن اس کے علاوہ آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی آپ کو موٹیویشن دینا بہت ضروری ہے, لیکن وہ ہم آپ کو دیں گے ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور.